जो मूलभूत विषय है कि जो भगवान शिव के प्रति शिव दोष दृष्टि करते हैं उनके क्या गति हो। तो यहां पर कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, उपमन्यु महर्षि कहते हैं, सुन लीजिए ये वाक्य, श्लोक सुन लीजिए, यशाभ्य सूयते देवम कारणात्म अनमीश्वरम स कृष्ण नरकम याति सह पूर्वे सहात्मजे हे। अर्थात जो हे श्री कृष्ण, जो जगत के कारण रूप ईश्वर ईश्वर महादेव के प्रति दोष दृष्टि रखता है, यशाभ्य सूयते, सूयते माने ईर्ष्या भाव रखता है, निंदा रखता है, देवम कारणम आत्मनम अनमीश्वरम, जो जगत के कारणभूत ईश्वर है, हे कृष्ण स कृष्ण नरक में आते, बोले वो नरक में जाते हैं, कैसे जाते हैं, सह पूर्वे सहात्मजे है, वह अपने अपने संतान, सहात्मजे मतलब अपने संतान सही, और सह पूर्वे मतलब अपने पूर्वजों सही कहां जाता है, नरक में पड़ता है। ये बात स्वयं उपमन्यु ऋषि जो है भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण किससे कह रहे हैं, युधिष्ठिर से कह रहे हैं, युधिष्ठिर ब्रह्मर्षि उपमन्यु जो मेरे गुरु थे, उन्होंने मुझे जो ज्ञान दिया वो मैं तुम्हें, जो सहस्त्र नाम और भगवान शिव जी की जो महिमा बताई गई है वो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, उसके संवाद के अंतर्गत उन्होंने महर्षि उपमन्यु ऋषि ने जो कहा स्वयं के लिए जो कहा वो यहाँ पर बताया कि हे श्री कृष्ण, जो जगत के कारण भूत महादेव है उनके प्रति जो दोष दृष्टि रखता है वह पूर्वजों और अपनी संतान सहित नरक में पड़ता है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं युधिष्ठिर से, कहा कि मेरे गुरु जी ने उपमन्यु ऋषि ने कहा, अगर ऐसी बात नहीं होती तो भगवान श्री कृष्ण उसी समय उपमन्यु ऋषि का विरोध कर दे कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, भगवान शिव जी तो हमसे भी छोटे हैं, क्यों नहीं उस समय भगवान कृष्ण ने बोला ऐसी बात, ये कौन लोग होते हैं ये समझाने वाले लोग, बताइए, जिनको ये भी नहीं पता है कि कार्तिक जी का जन्म जो है कृतिका से हुआ, पार्वती जी से नहीं, इतना भी अल्प ज्ञान नहीं है इन लोगों को, वो भगवान शिव जी के प्रति निंदा करते हैं। दुर्भाग्य ये है सनातन धर्म के अनुयायियों का कि हमारे समाज में ऐसे हम लोग नपुंसक धर्माचार्य का भी समय हमें मार्गदर्शन मिल रहा है कि जो हमें सत्य ज्ञान बताते नहीं है और इधर उधर की बातों में लपेटे रखते हैं, और इसीलिए ये ऐसे अधर्म में उत्पन्न होकर मार्गदर्शन दे देते हैं, और हमें चूंकि शास्त्र का ज्ञान होता नहीं है, जो वो कह देते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, फिर वो हरी चटनी दाल चटनी भी बोल देंगे तो वहां से भी हमको कृपा हम खोज लेते हैं, और उसके लिए गिड़गिड़ाते हैं, माइक हाथ में लेकर रोने लग जाते हैं, आपकी कृपा से मेरा कार्य सिद्ध हो गया भाई, जब से मैंने दाल चटनी की जगह हरी चटनी खा ली मेरे तब से, और उनको रोते देखकर 10 और पहुंच जाते रोने के लिए, 10 की जगह फिर 10 को देख के 20 हो जाते, 20 की जगह 100 हो जाते, और बाबा जी जो है एकदम थर्ड आई ऑफ जो है पता नहीं कौन से बाबा के नाम से पैसा इकट्ठा करके रखू चक्कर, अब कहां चला गया इनका थर्ड आई। ऐसे ही सनातन धर्म के अनुयायी के साथ ये छल होता है, और इसी का मैं विरोध कर रहा हूँ, इसी के बारे में मैं बोल रहा हूँ, कष्ट होता है, दुख होता है मुझे, पीड़ा होती है जब मैं देखता हूँ कि धर्म के नाम पर इस प्रकार के पाखंडी समाज में उत्पन्न होते हैं, और जो निरीह जनता जो धर्म के प्रति आस्था रखती है, ईश्वर के प्रति आस्था रखती है, अपनी कामनाओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है, संतों के प्रति सम्मान करती है, आदर करती है, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, धर्मशास्त्र को मानने वाली ये धर्म भीरु जनताओं के साथ जब छल होता है तो मेरा हृदय जो है द्रवित होता है, रक्त खोलने लगता है, और आज यही मेरे साथ ऐसा होता है, इसलिए मेरी वाणी आज थोड़ी बहुत कठोर हो सकती है, लेकिन अब ये विषय ऐसा है कि यहाँ पर मैं गंभीरता के साथ मौन होकर ये शांति से विवाद नहीं कर सकता, ये एक युद्ध है, युद्ध के मैदान में खड़े हैं, तो वहां तो बोले राम सकोप तब, तो वो खूब सही थी बोलना पड़ रहा है, तो आप समझ लीजिए जो बात यहाँ पर जो लिखी हुई है, ये श्लोक है 18वां, स कृष्ण नरकम याति, नरक जाएगा, हे कृष्ण वो नरक जाएगा, सुन लो ये बात मेरी, और तैयारी कर लो आप अपने संतान सहित और अपने पूर्वजों सहित नरक में उल्टा लटकने के, कृष्ण भी नहीं बचाने आने वाले, क्योंकि वो कृष्ण ही स्वयं तो कृष्ण को ही समझा रहे हैं, और कृष्ण जी भी चुपचाप सुन रहे हैं, यहाँ बात बिल्कुल सही है आपकी, और अपने वचन से बंधे हुए, क्योंकि तस्मात शास्त्रम प्रमाण, भगवान भी अपने वचन की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते,
ये लोग मूर्ख अज्ञानी हठधर्मी जो लोग हैं समाज में ऐसे पनपते हैं कि फिर वो हम लोगों को भ्रमित कर देते, भटका देते, हजारों लोग भटक रहे। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किए, अपने सनातन धर्म का प्रचार किया, वहां तक तो तुम ठीक थे, वहां तक हम भी आपके साथ खड़े, हम भी बड़े प्रशंसक रहे स्वामी प्रभुपाद जी के। लेकिन ये जो बाद में हमें जो चीजें सुनने को मिल रही है, तो ये हमें हमारे रक्त को खौलाने वाली थी। और सनातन धर्म पर कुठाराघात होगा तो स्वामी रूपेश्वरानंद मौन कभी नहीं रहेगा, ये बात तय है, औरों की मैं गारंटी नहीं लेता। दुर्भाग्य हमारे देश का, ये लोग यदि ये थोड़े शास्त्र का अध्ययन कर लेते, ऐसे हमारे धर्माचार्य जो सुशोभित होकर जो बड़े बड़े पदों पर विशिष्ट पदवियों के साथ विभूषित है, ये थोड़े धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर लेते और समाज के साथ तो ये छल हो रहा है धर्म के नाम पर, इससे इसको अगर उसी समय ये रोक देते तो आज ये स्थिति नहीं बनती कि मुझे ये सब बातें कहने पर।